बड़ी खबर इस वक्त की, पुराने नोट बदलने के आरोप में कोलकाता के नामी कारोबारी पारसमल लोढ़ा को साकेत कोर्ट में पेश कर दिया गया है। पारसमल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और इस कारोबारी पर आरोप है कि उसने अब तक 25 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी बदली है। आरोप है कि उसने रोहित टंडन और शेखर रेड्डी के काले धन को एक तरह से नए धन में बदलने का काम किया है। पारसमल की गिरफ्तारी बीती रात मुंबई एयरपोर्ट पर की गई थी। दरअसल काले धन मामले में रोहित टंडन और शेखर रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद पारसमल पर ईडी की नजर थी और तब अपनी गिरफ्तारी की आशंका से घबराए पारसमल लोढ़ा विदेश भागने की फिराक में था और तभी मुंबई एयरपोर्ट पर उसकी गिरफ्तारी हुई। मुंबई में गिरफ्तारी के बाद पारसमल लोढ़ा को दिल्ली लाया गया और यहाँ अब ईडी पूछताछ उससे करेगी। गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल कृष्ण, बड़ा वीवीआईपी कनेक्शन कहा जा रहा है पारसमल लोढ़ा का, कोर्ट में भी अब पेशी हुई है, कुछ और निकल कर आ रहा है? देखिए, अभी ईडी ने इसे पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड की मांग की है, जिस पर अदालत को विचार करना है। हालांकि अभी सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन ईडी के माने तो काफी बड़े लोगों के साथ इसके कनेक्शन जुड़े हुए हैं और इस सिलसिले में ईडी चाहती है कि जिन लोगों के नाम अपने सामने आ चुके हैं इसके साथ, उनके आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जाए। उसके बाद जो बाकी लोग हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उनको उनसे कुछ क्लू मिले और इस पूछताछ के बाद तक पहुंचा जाए। और इसीलिए प्रवर्तन निदेशालय ने 14 दिन की रिमांड की मांग की है, जिस पर कुछ देर बाद सुनवाई शुरू होनी है। तो देखना होगा अदालत कितने दिन की रिमांड पर भेजती है। और अलावा इसके भी हवाला कारोबार से जुड़े लोगों की हम लगातार ये गिरफ्तारियां देख रहे हैं, इसमें अब पारसमल लोढ़ा का भी नाम शामिल हो गया है। ये जो कनेक्शन है, इस गिरफ्तारी से कितनी और बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं, क्या क्या कुछ और हासिल कर सकती है ईडी? देखिए, बहुत बड़ी सफलताएं मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इसका नाम रोहित टंडन, जो जिसके पास लगभग 125 करोड़ रुपए कैश मिले थे और उससे एक साल पहले भी उसने करीब लगभग 125 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी। उसके बाद कर्नाटक के चट्टी जो व्यवसाय का शेखर रेड्डी, उसके पास करीब 100 करोड़ से ऊपर के कैश मिले थे और 100 किलो सोना मिला था। तो इसे देख कर कहा जा सकता है इस तरीके के लोगों से और इसके संबंध हो सकते हैं जिन तक ईडी पहुंचना चाहती है। बहुत शुक्रिया गोपाल कृष्ण, आप जुड़े हमारे साथ ये पूरी जानकारी लेकर। तो रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं नोटबंदी के बाद पुराने नोट को बदलने को लेकर, और रैकेट है एक तरीके से ये हवाला का, हम इसको कह सकते हैं 25 करोड़ की पुरानी करेंसी बदलने का आरोप पारसमल लोढ़ा के ऊपर भी। शेखर और रोहित का साथी ये है पारसमल, इसके बारे में और आपको जानकारी देते हैं। बुधवार को सीबीआई ने शेखर रेड्डी की गिरफ्तारी की और शेखर रेड्डी से 170 करोड़ की नकदी और साथ ही साथ जो बरामद हुआ वो था 27 किलो सोना। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं बरामदगियां कैसे हो रही हैं। तमिलनाडु का खनन व्यवसायी है रेड्डी और साथ ही साथ रोहित टंडन, जिसकी एक और जो इसमें नाम है वो दिल्ली में वकील है। रोहित टंडन के घर से 13.65 करोड़ रुपए मिले थे रोहित टंडन के घर से, ये बरामदगी हुई है। और अलावा इसके हम ये कह सकते हैं कि अब साकेत कोर्ट में पारसमल को प्रोड्यूस किया गया है और ईडी और तमाम जानकारियां इसे जुटाने की कोशिश में है, क्योंकि चाहती है ईडी की आमने सामने बैठाकर ये पूछताछ की जाए। पुराने नोटों को बदलने के आरोप में ईडी ने कोलकाता के कारोबारी पारसमल लोढ़ा को गिरफ्तार किया है और जानकारी के मुताबिक पारसमल के शेखर रेड्डी और रोहन टंडन से भी कनेक्शन थी। बताया जा रहा है कि इसने दोनों के लिए नोट बदलवाने का काम किया था। आपको बता दें कि चेन्नई में शेखर रेड्डी और दिल्ली में रोहित टंडन के ठिकानों से करोड़ों रुपए के कैश और साथ ही साथ बरामद हुआ है सोना। माना जा रहा है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड भी पारसमल लोढ़ा ही है।